और बड़ा अपडेट कमलनाथ को लेकर सूचना में, अमित शाह से मिल सकते हैं कमलनाथ, सूत्रों के हवाले से खबर, थोड़ी ही देर में मुलाकात हो सकती है, देर रात मुलाकात हो सकती है, इस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं। ये माना जा रहा था कि कमलनाथ अगर पहुंचे हैं तो जल्द ही वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात को लेकर जरूर स्थिति स्पष्ट होगी, ज्यादा देर इंतजार शायद ना भी करना पड़े कमलनाथ को। ये माना जा रहा है कि अमित शाह से आज रात ही उनकी मुलाकात हो सकती है, देर रात मुलाकात हो सकती है सूत्रों के मुताबिक। ये बड़ा अपडेट कमलनाथ को लेकर सामने आया है, एक तरफ अटकलें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं से मिलना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। अब शायद स्थिति स्पष्ट होना ज्यादा बाकी नहीं है, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि प्रथम दृष्टया, या ये भी कहा जाए कि देश के गृहमंत्री होने के नाते कमलनाथ मिलने पहुंचे थे, ये भले ही उनकी तरफ से अगर बयान में सामने आता है तो भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदर खाने पक रहा है। कमलनाथ को लेकर ये अपडेट है, अमित शाह से कुछ ही देर बाद मिलने वाले हैं, कुछ ही देर बाद भी हो सकता है कि देर रात भी मुलाकात हो। क्या मुलाकात के बाद कमलनाथ कुछ स्पष्ट कहते हैं, या सिर्फ ये कहा जाता है कि सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे थे, या महज देश के गृहमंत्री हैं अमित शाह इसलिए मुलाकात करने पहुंचे थे, हो सकता है इस प्रकार के बयान वो दें, क्योंकि स्पष्ट अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या रुख होता है, क्या दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कमलनाथ आपको भगवामय होते हुए नजर आते हैं, ये तमाम सवाल एक साथ श्रृंखला में खड़े होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती हुई, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है, पितृतुल्य कमलनाथ इस पार्टी के लिए, अगर खुद शामिल होते हैं नकुलनाथ शामिल होते हैं तब तमाम हलचल बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद एक और बड़ी चुनौती विपक्षी दल के लिए हो जाएगी। लेकिन ये वो सिचुएशन है जो हो सकता है कि बाद में आपको देखने को मिले, फिलहाल क्या अंदर खाने पक रहा है इस पर सभी की नजर है। अमित शाह से मिल सकते हैं कमलनाथ, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है, देर रात मुलाकात हो सकती है क्योंकि दिन भर आपने देखा व्यस्ततम शेड्यूल रहा है गृहमंत्री का। अमित शाह जो पार्टी अधिवेशन को लेकर भी देख रहे थे, व्यवस्थाएं भी समझ रहे थे स्थिति, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जब राजनीतिक हलचल मची है और तब कमलनाथ दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचकर ये जानकारी आती है कि दो दिनों तक चलिए कोई मुलाकात नहीं होने वाली, उसकी ठीक बाद ये खबर आना कि सीधे अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। ये पैटर्न रहा भी है भारतीय जनता पार्टी का, जब जब आप बीजेपी को देखेंगे, या भले ही आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रम याद अगर हो तब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हलचल बढ़ी थी, सबसे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह, इन तमाम नेताओं, इन तमाम चेहरों के साथ बैठकर बैठक हुई थी। बैठक के बाद अचानक से ये जानकारी सामने आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों को लेकर पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। अब कमलनाथ को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है कि इसी प्रकार की खबरें आपको देखने को मिले, इंतजार शायद अब ज्यादा ना करना पड़े आपको इस बात का, पुष्टि का, कि आखिर होने क्या वाला है। और अब कोरिया से अगली बड़ी खबर, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, अवैध कब्जे पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, यानी कि बुलडोजर दौड़ा है। पौड़ी बछड़ा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर सूचना, कोरिया का जिक्र है, अवैध प्लॉटिंग को लेकर खबर मिल रही थी अतिक्रमण को लेकर, वैसे ही प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा, बुलडोजर चलाकर इन निर्माणों को ध्वस्त किया गया, अवैध कब्जा जमीन पर कर रखा था, उसके बाद बुलडोजर एक्शन के चलते ये अपडेट सामने आता है कि तस्वीरों सहित आप ये देख सकते हैं कि कार्रवाई की गई, नजीर पेश की गई, अगर अतिक्रमण किया जाता है, कब्जा किया जाता है तो हश्र ये होने वाला है। और राजधानी रायपुर में आगजनी और चोरी जैसी कई वारदातें इन दिनों सामने आ रही, इसके बावजूद राजधानी में ही एटीएम बूथ भगवान भरोसे हैं, ज्यादातर एटीएम बूथ्स पे सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। न्यूज 18 ने शहर के एटीएम बूथ की पड़ताल की तो पता चला कि बैंकों ने ही एटीएम बूथ में सुरक्षाकर्मी नहीं रखे हैं, प्राइवेट बैंक के अलावा सरकारी बैंकों का यही हाल है, मतलब साफ है कि बैंकों की सुरक्षा सीसीटीवी के भरोसे छोड़ दी गई है। जिम्मेदारी भी है कि अपने ग्राहकों को जिम्मेदार बनाएं, उनको जागरूक करें,
हम लोग उनकी भी मीटिंग लेके उनको अवेयर करेंगे। साथ साथ ये कोशिश होगी कि जो बैंकों को काम करना है, अपने यहाँ CCTV लगाना, गार्ड ATM में लगाना और फुटेज उपलब्ध कराना, लोगों को जानकारी देना जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके अकाउंट को देखना और संबंधित अकाउंट जिससे फ्रॉड हुआ है उसको सीज करना। तो बैंकों की जिम्मेदारी बड़ी है साइबर फ्रॉड में, उनके लिए भी हम लोग मीटिंग लेकर के आने वाले दिनों में समझाएंगे। और बस्तर जिले में शराब की रिकॉर्ड खपत हुई है। यहाँ सुरा प्रेमी एक साल में 118 करोड़ की शराब गटक गए। शराब की बिक्री टारगेट से बहुत ज्यादा है। संभाग में सबसे ज्यादा शराब की खपत बस्तर जिले में पाई। और पिंडरा जिले के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और उस कमी के बावजूद नियम विरोध अटैचमेंट का खेल अभी भी जारी है। शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए मूल स्कूल से हटाकर पास के दूसरे कार्यालय में उन्हें अटैच किया जाता है। इस स्कूल के बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। शिक्षकों को अटैच करने के बाद अधिकारियों पर सवाल निशान। और दुर्ग निगम ने टैक्स वसूली को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया है। टैक्स नहीं देने पर 14 दुकानों को सील कर दिया गया। नगर निगम की टीम ने एक दिन में 8 लाख से ज्यादा का टैक्स भी वसूल लिया है। और सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव पोलमपल्ली में CRPF 74वीं बटालियन की तरफ से शहीद रघुवीर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें आसपास गांव के युवक युवतियां शामिल हुए। मैच में लड़कियों ने भी जमकर चौके छक्के लगाए हैं। विजेताओं को इनाम भी दिया गया। खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने का मकसद। और क्रिकेटर जहीर खान आज राजधानी रायपुर पहुंचे। जहीर खान के साथ उनकी पत्नी भी रायपुर आई हुई थी। आपको बताया कि जहीर यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने अपने कार्यक्रम को लेकर मीडिया से भी दूरी बना ली है। और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से गंगरेल बांध को नो प्लास्टिक जोन बनाने का अभियान चल रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए धमतरी कलेक्टर सहित जिले के सभी प्रमुख अधिकारी जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। और कांकेर में एक देसी कुत्ते ने भालू को सबक सिखा दिया। जी हाँ, एक देसी कुत्ते ने भालू को ऐसा भगाया कि देखने वाले देखते रह गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कई बार चौंका भी देती हैं। किस प्रकार से भालू की मौजूदगी रहवासी इलाकों में जब आप देखते हैं तब खुद एक कुत्ता भालू से भिड़ गया। तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली कि कैसे कोई इतने भयानक जंगली जानवर को इस तरह से खदेड़ सकता है। ये तस्वीरों के जरिए सामने आया है। भालू देखकर लोग घर में दुबक गए, लेकिन एक देसी कुत्ता जो पूरी हिम्मत के साथ डटा रहा, इस भालू को खदेड़ कर ही उसने सांस ली। पूरे नजारे को लोगों ने वीडियो में कैद किया। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20।